इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शक्तिमान ने ड्रग्स माफिया के दो चार लोगों को पकड़ लिया तो उसका फायदा क्या हुआ? आज भी वो लोग पूरी तरह से शहर में सक्रिय हैं। जो लोग पकड़े गए थे इससे पहले कि पुलिस वाले उनकी जबान खोल पाते, ड्रग्स माफिया वालों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दिया। हाँ, लेकिन Yes, डॉक्टर दस्तूर, आप मुझे ये बताइए, इस पेशेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका शरीर पूरी तरह से ड्रग्स का आदी हो चुका है। देखिए डॉक्टर, ये रिहैबिलिटेशन कैंप इन्हीं लोगों के लिए है, इसके ठीक होने की कितनी उम्मीद है? ये ठीक तो हो जाएंगे लेकिन कुछ वक्त लगेगा ड्रग्स की लत से पूरी तरह बाहर निकालने में। इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ना होगा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, अगर आप कहते हैं तो हम इनको यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, अपने परिवार से अलग, लेकिन किसी भी तरह ये ठीक हो जाएं। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगे। अरे गीता बेटी, तुम कैसी हो? आप मुझे जानते हैं? लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो। पहचानोगी भी कैसे, तुम बहुत छोटी थी जब मैं तुम्हारे घर पे आया करता था तुम्हारे पापा को मिलने। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ओ। उसके बाद अचानक मेरी ट्रांसफर आसाम के एक गांव की हॉस्पिटल में हो गई और रिटायर होने तक मैं वहीं बना रहा। तुम्हारे पिताजी के हादसे की खबर मुझे वहीं पे मिली थी। हादसे के कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे घर पे आया था, लेकिन तब तक तुम शायद अमेरिका जा चुकी थी। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। काश अंतरिक्ष में हुए उस हादसे में शक्तिमान ने तुम्हारे साथ उन्हें भी बचा लिया होता तो आज वो हमारे साथ होते। क्या शक्तिमान वहीं था? मेरा मतलब उस हादसे के समय शक्तिमान वहीं पर था? डॉक्टर साहब, बेड नंबर 19 का पेशेंट फिर से सीरियस हो रहा है। ओके, मैं अभी आया। बेटे मैं कभी तुम्हारे घर आऊंगा। ओके जी। गीता जी, डॉक्टर दस्तूर आपसे किस हादसे की बात कर रहे थे? अंतरिक्ष में हादसा? वैसे आप लोगों के साथ किस तरह का हादसा हुआ था अंतरिक्ष में? हाँ दीदी, बताइए ना।
हमें भी कुछ खास बताया नहीं था आपने इस बारे में। आपके पिताजी के देहांत के बाद आप थोड़े दिनों में अमेरिका चली गई थी, लेकिन दीदी जहां तक मुझे याद है उस हादसे का जिम्मेदार शैतान साइंटिस्ट चैकॉल ही था ना? शैतान साइंटिस्ट चैकॉल, क्या ये वही चैकॉल तो नहीं जो आजकल जेल में बंद है? हाँ, वही साइंटिस्ट चैकॉल, उसी की वजह से मेरे पापा की जान गई, वही मेरे पापा का कातिल है। तुम्हारे पापा का कातिल? लेकिन उसे तुम्हारे पापा को क्यों मारा? क्योंकि मेरे पापा पैरासाइकोलॉजी के रिसर्चर थे, नेचर के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में जानते थे वो। डॉक्टर चैकॉल उस ज्ञान को हासिल करना चाहता था, इसलिए एक दिन उसने मेरे पापा को किडनैप कर लिया। उन्हीं दिनों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुझे शक था कि वहां से भी साइंटिस्टों को किडनैप किया जाएगा, इसलिए मैं वहां एक बूढ़ी साइंटिस्ट बनकर पहुंच गई। जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ। बाकी सारे वैज्ञानिकों के साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया गया। सर, कॉन्फ्रेंस के सारे वैज्ञानिक आ चुके हैं। और फिर मुझे चैकॉल के सामने लाया गया। तुम शक्तिमान की जासूस गीता विश्वास? गीता? पापा? और फिर मुझे मेरे पापा के साथ एक कमरे में कैद करके रखा गया। चलो। लेकिन हमें कहां ले जा रहे हो? चुपचाप चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। और फिर मैंने वहां चैकॉल के हाथों एक साइंटिस्ट को शैतान बनते हुए देखा। अब तुम सचमुच मेरे भाई बन जाओगे, शैतान जैकॉल का शैतान भाई। प्रोफेसर खुराना, क्या भी तुम मेरी बात को मानने से इनकार करोगे? नहीं! अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। जो कहोगे मैं वही करूंगा। सर, योर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। पापा, नहीं पापा, पापा ये क्या हो रहा है? बेटा, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। जयकाल ने मेरी ही जड़ी बूटियों के जरिए ये सब कुछ किया है। जयकाल, तुम मेरे जरिए अब अपनी ये दवा बना चुके हो, अब और क्या चाहते हो हमसे? मुझे मार डालो, मार डालो अब। पावर, तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे दूं? प्रोफेसर, अभी तो तुम्हें मेरे बहुत से काम करने हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें मैं जानना चाहता हूं।
सॉरी प्रोफेसर, मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ऐसे ही रहना होगा मेरी ही कैद में। उसके बाद न जाने क्यों उन लोगों ने मुझे अकेले एक रूम में कैद करके रखा। वहां पे अचानक मैंने एक आहट सुनी और मैं चौंकी। पापा, पापा आप बोलो मत, मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ पापा? आओ तो बोलो मत, एक मिनट रुको, कोई आ रहा है। ऐसे ही रहना। सही जाता है ना? फिक्र मत करो, चुपचाप चलती आओ। पापा, पापा ये लोग बहुत बड़ी तबाही करने जा रहे हैं, इन्हें किसी तरह से रोकना होगा पापा। इन्हें रोकना जरूरी है पापा। गीता, अगर तुम चाहो तो इन्हें रोका जा सकता है। मैं चाहूं तो? शक्तिमान को बुलाकर। शक्तिमान को बुलाकर? हाँ गीता, अब शक्तिमान के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर दुनिया को जयकाल नामक के शैतान के हाथों तबाह होने से बचाना है तो तुम्हें शक्तिमान को बुलाना ही होगा। शक्तिमान, मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ गीता, हाँ गीता, हाँ गीता, मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ, तुम कहाँ हो? शक्तिमान, मैं यहाँ जाकर के स्पेस लैब में गया। तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम यही मुझसे संपर्क बनाए रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। शक्तिमान, 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 शक्तिमान। ओह तो सब लोग वहां कहते हैं। शक्तिमान, 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 शक्तिमान। शक्तिमान, 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 शक्तिमान। गीता, 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 शक्तिमान, 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 शक्तिमान। गीता, प्रोफेसर विश्वास, आप यहाँ? हाँ शक्तिमान, जयकाल ने सबसे पहले किडनैप मुझे ही किया था, बाकी वैज्ञानिकों का अपहरण तो उसने बाद में किया। जयकाल,
तो अंतरिक्ष में बनाई हुई ये लैब जैकॉल की है, मगर इसका मकसद क्या है? सारे वैज्ञानिकों को अपने जैसा शैतान बनाना, बल्कि शक्तिमान उसने सारे वैज्ञानिकों को अपने जैसा शैतान बना भी दिया है। क्या? हाँ शक्तिमान, हाँ ये सच कह रही है। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल ने सचमुच इनको किडनैप कर शैतान बना दिया है, और अब ये सब मेरे गुलाम बनकर साइंस का इस्तेमाल सिर्फ अंधेरे के लिए करेंगे। कुछ करो शक्तिमान, ये लोग पृथ्वी पर विनाश करने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि तैयारी हो चुकी है शक्तिमान, तुम्हारी पृथ्वी का एक एक शहर अब मेरे जिंगारा मिसाइल के निशाने पर है। डॉक्टर जैकॉल जब चाहे किसी भी शहर को खत्म कर सकता है। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जैकॉल, शक्तिमान के रहते हुए तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? खबरदार शक्तिमान, खबरदार। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा गीता की मौत। चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो। आप ये क्या कर रहे हैं प्रोफेसर विश्वास? वही जो तुम दोनों ने सुना शक्तिमान, प्रोफेसर विश्वास सब हमारा आदमी है। पावर! शक्तिमान, अब तुम शैतान बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतने सारे वैज्ञानिकों और प्रोफेसर विश्वास जैसे इंसान को इसने शैतान कैसे बना दिया? जब तक मैं इस राज का पता नहीं चला लेता तब तक मुझे ऐसे ही रहना होगा। प्रोफेसर विश्वास, हुक्म जैकॉल। इंसान को शैतान बनाने वाली ये दवा तो हमने तुम्हारी ही बताई जड़ी बूटियों से तैयार की है, इसीलिए शक्तिमान को शैतान बनाने का ये सम्मान हम तुम्हें देते हैं। जैकॉल! तो प्रोफेसर विश्वास की बताई हुई जड़ी बूटियों से तैयार किया है इसने शैतानी दवा को, तो इस दवा का तोड़ भी प्रोफेसर विश्वास को ही पता होगा। अंधेरा! पापा ऐसा मत कीजिए, प्लीज पापा। इस इंजेक्शन को लगाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी शक्तिमान, फिर तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो जाओगे। ओह नो, आई एम सॉरी शक्तिमान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें यहां कभी नहीं बुलाती। मुझे माफ कर दो शक्तिमान, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ प्रोफेसर, क्या हुआ? बेकार, ये सुई टूट गई। व्हाट? हाँ, अब सब कुछ टूटेगा जैकॉल। ओह नो, सब कुछ टूटेगा। तुम भूल गए थे जैकॉल, शक्तिमान को कोई नहीं बांध सकता। मैं यहां अपनी मर्जी से बंधा हुआ था, क्योंकि मुझे इंसान को शैतान बनाने वाली दवाई का राज जानना था, जो मैं जान चुका हूं। अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। Thank you.
गार्ड्स, इसे रोको। पकड़ो इसे, इसे पकड़ो। सॉरी प्रोफेसर, आपको साथ ले जाना जरूरी है। मिल गया, यही इनका मिनी स्पेसशिप है। गीता, दरवाजा खोलने की कोशिश करो। चलो चलो जल्दी करो। तुम दोनों इस तरफ जाओ। गार्ड्स, देख रहे हो, स्पेसशिप बाहर चली जाएगी। खत्म करो स्पेसशिप को, खत्म करो जल्दी जल्दी। शक्तिमान, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है गीता। लो, आ गया खतरा। मैंने कहा था ना जयकॉल हमें आराम से जाने नहीं देगा। खतरा टल चुका है गीता, रिलैक्स रिलैक्स। शक्तिमान, मेरे स्पेस शिप्स को खत्म करके ये मत समझो कि तुम जीत गए हो। इस बात को मत भूलो शक्तिमान कि तुम्हारी पूरी पृथ्वी अभी भी मेरी सिंगारा मिसाइलों के निशाने पर है। मैं 5 तक गिनूंगा शक्तिमान, अगर तब तक तुमने अपनी स्पेसशिप का रुख वापस मेरी स्पेस लैब की तरफ नहीं किया तो तुम अपनी पृथ्वी को तबाह होने से नहीं बचा पाओगे। अब क्या होगा शक्तिमान? शक्तिमान, 1, 2, 3 चार शक्तिमान, 4। शक्तिमान 5। मिसाइल छोड़ो, मिसाइल छोड़ो, फायर। Please,
होश में आइए। पापा प्लीज होश में आ जाइए। पापा प्लीज लिसन टू मी। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को धरती पर पाया। मुझे अंतरिक्ष से बचाकर धरती पर लाने वाला था शक्तिमान, मगर अफसोस वो मेरे पापा को नहीं बचा पाया। इसी हादसे का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर। लेकिन गीता जी, उन साइंटिस्टों का क्या हुआ जिन्हें जैकॉल ने शैतान बना दिया था? क्या पता वो अभी भी जैकॉल के बने अंतरिक्ष लैब में हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन दीदी जैकॉल तो इस वक्त जेल में है। तो शायद उसने पुलिस को उन सब के बारे में बताया होगा, लेकिन मुझे या मीडिया वालों को इसके बारे में अब तक पता नहीं चला है। ओह माय गॉड, समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आई थिंक वी शुड लीव, हमें ऑफिस भी तो पहुंचना है। हाँ दीदी, चलो। यहाँ इनका ख्याल तो अच्छी तरह से रखा जाएगा ना मिस्टर कुमार? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही घर आएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम लोग चलते हैं मिस्टर कुमार। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। चलें। बाय बाय, सी यू। डोंट वरी, तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे। बस किसी भी तरह वे ठीक हो जाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लैब। शैतान साइंटिस्टों से लैस आधुनिक लैब अंतरिक्ष में, जेल में डॉक्टर जैकॉल, शक्तिमान से निपटने के लिए यह जैकॉल सचमुच मेरे काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है। उससे जेल में मिलने का इंतजाम मुझे करना होगा, मगर उससे पहले गीता विश्वास को मेरे और करीब आना होगा, ताकि शक्तिमान से जुड़ी सारी जानकारियां मुझे आसानी से हासिल हो सके, आसानी से मिल जाए। और ये तब हो सकता है जब गीता विश्वास मेरे आसपास रहे, मेरे आसपास। मगर कैसे? यस, ऑफिस, कॉमिक्स की ऑफिस। अगर ये ऑफिस मेरा हो गया तो गीता विश्वास मेरे यानी कुमार के कांटेक्ट में रहेगी, और वो ये नहीं जानती, वो ये नहीं जानती कि कुमार का दूसरा नाम साहब है। साहब है। यानी साहब का कॉमिक्स की ऑफिस पर कब्जा, शक्तिमान की कॉमिक्स की ऑफिस पर कब्जा ये साहब करके रहेगा। गुड मॉर्निंग लीला जी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्वामी जी। गुड मॉर्निंग सुंदर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर आल्सो। अच्छा सर। गुड मॉर्निंग हेमल जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार घोष बाबू। कम ऑन भालो। जी हाँ, नमस्कार दादा। गुड मॉर्निंग। अरे ये न्यूज पढ़ी आप लोगों ने? क्या जे? एक आदमी नकली संत बनकर शक्तिमान के नाम के ताबीज देकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन कल शक्तिमान ने उसका भांडा फोड़ दिया। अयो लीला। हाँ? शक्तिमान ने उसका भांडा फोड़ा, बहुत अच्छा किया, लेकिन इधर शक्तिमान का स्टोरी हमारा सारे पोड़ते जे है, इसका क्या? अयो घोष बाबू, जस्ट लुक हियर, ये गीता जी ने अपने स्टोरी में लिखा है कि शक्तिमान फायर में घुस गया और उसका बॉडी का 5 pieces हो गया जी, दैट इज ऑल राइट, लेकिन इन 5 pieces को हम लोग कॉमिक्स में किस तरह विजुलाइज करेगा जी? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? हम क्या जानता है, ये हमारा काम थोड़ा ना है, हमारा काम है प्रूफ रीडिंग का, हम सिर्फ प्रूफ रीडिंग करेगा, ये है डॉग विजुअल का, हेमल और कलर स्केचिंग वालों का है, वो लोग जाने ना। यू आर राइट, काम कभी हेडेक नहीं होता घोष बाबू। गीता दीदी ने कहानी में शक्तिमान से जुड़ी सच्चाई लिखी है,
और हमें कॉमिक्स में शक्तिमान से जुड़े उस सच को सही विजुअल देना ही होगा, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अरे करो ना, मेहनत करो ना, ये बातें क्यों कर रहे हो? अरे काम ज्यादा और बातें कम करो, समझे? और आप भी यहाँ क्या खड़े हो, अपना काम कीजिए ना। ऑलराइट सर। अरे हमें शक्तिमान कॉमिक्स के पहले एडिशन को जल्द से जल्द तैयार करना है, कॉमिक्स के विजुअल्स, डायलॉग्स, ये सब कुछ आप लोग मुझे जल्दी से तैयार करके दीजिए, समझे? सुंदर चाय लेकर आओ, बोल बोल के मेरा गला सूख रहा है। हैं, नई कन्या? यस मैडम, कहिए। जी मैं गीता जी से मिल सकती हूँ? किस सिलसिले में? जी नौकरी के लिए, मुझे शक्तिमान ने भेजा है। क्या कहा तुमने? जी मुझे शक्तिमान ने भेजा है नौकरी के लिए, गीता जी से मिलने। अच्छा, तुम्हारे पास कोई ताबीज है? दिखाओ जरा। ताबीज? वही शक्तिमान ने तुमसे कहा होगा ना गीता को मिलने के लिए, ऐसा वो कटकट दंतु ने कहा होगा ना शक्तिमान की तावीज देकर। हैं? नहीं नहीं, शक्तिमान ने खुद मुझे यहाँ भेजा है, कटकट दंतु का भांडा फोड़ने के बाद। असल में उस समय मैं भी वही थी कटकट दंतु के यहाँ। ओह अच्छा अच्छा। तो मैं गीता जी से मिल सकती हूँ? अजी क्यों नहीं क्यों नहीं, जब शक्तिमान जी ने आपको यहाँ भेजा है तो गीता जी को तो आपसे मिलना ही पड़ेगा ना। आइए आइए, लेकिन ठहरिए एक मिनट, मैं जरा गीता जी से बात करके पूछ लेता हूँ। ओके, क्या नाम बताया आपने? जी अभी तक तो नहीं बताया, वैसे रीता। रीता, अच्छा है। यस हाँ गीता, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, एक लड़की आई है तुमसे मिलने के लिए, कह रही है कि शक्तिमान ने उसे तुम्हारे पास भेजा है, उसका नाम है रीता। शक्तिमान ने भेजा है? ये रीता नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हेलो, उसे अंदर भेज दो। हाँ हाँ अभी भेजता हूँ। यस रीता। मैडम जाइए वहाँ। जी थैंक यू। वेलकम। कमाल हो गया। आई है शक्तिमान की सिफारिश लेकर नौकरी के लिए। हेलो इधर हम भी हैं गीता बेटे। तुम? हाँ गीता मैं, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही। शक्तिमान ने भी इसीलिए मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे सुधरने का मौका देना चाहता था। गीता मैं पढ़ी लिखी हूँ, बाकी लोगों की तरह मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। शक्तिमान ने इसीलिए तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तुम मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे सको। मैं किसी भी तरह का काम कर लूंगी। तुम चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकती हो, और चाहो तो कुछ दिन के लिए विदाउट पेमेंट रख सकती हो कि मैं तुम्हारे किसी काम की हूं या नहीं, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी जरूर दे देना, मैं वाकई सुधरना चाहती हूँ। तो मुझे नौकरी दोगी ना? प्लीज मुझे सुधरने का मौका दोगी ना? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा मुझे नौकरी देने की नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आखिर बुरे लोगों का साथ जो दिया है, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अच्छा मैं चलती हूँ। Ha 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 ha!
Oh God. गीता, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें सुधरने का मौका नहीं दूंगी. Come on, sit down. Sit. Thank you. मैं तो ये सोच के चुपचाप थी कि तुम एकदम से बदल कैसे गई. मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि तुम इतना बदल जाओगी. लेकिन सचमुच तुम्हें ऐसे देखकर दिल को बहुत खुशी हुई. सच? ऑफ कोर्स. इसका मतलब तुम मुझे नौकरी दोगी ना? श्योर, व्हाई नॉट. रीता, अगर शक्तिमान ने भी तुम्हें नहीं भेजा होता ना, और तुम खुद मेरे पास आती और कहती कि तुम बदलना चाहती हो, तब भी मैं तुम्हें काम देती. थैंक यू. आओ मेरे साथ. कहाँ? बाहर. मैं तुम्हें ऑफिस के स्टाफ से मिलवाना चाहती हूँ. कम ऑन. दोस्तों, ये है रीता. और रीता, ये सब है हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स. हेलो. दोस्तों, आज से रीता हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स को ज्वाइन कर रही है. वेलकम मिस रीटा, मेरा नाम हेमल धारिया है. हेलो. वेलकम. और मैं लीला हूँ. रीता, तुम्हें हम सबके साथ काम करना जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं. गीता, यह हमारे ऑफिस का स्टाफ बन रही वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे काम क्या करेगी? अयो गीता जी, गोश बाबू ठीक बोलते जी, इधर स्टाफ ऑलरेडी ओवर, सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है जी. सारे देश में वीआरएस के नाम पर लोगों को काम से निकालते जी, और तुम इधर फ्रेश रिक्रूटमेंट करते. अयो गीता, इधर लोग बैठेगा किधर जी? हाँ गीता, माना मानसी के जाने के बाद मिसेस शर्मा ने यह ऑफिस तुम्हें पूरी तरह सौंप दिया है, लेकिन ऑफिस का कोई भी फैसला तो तुम्हें सोच समझ के ही करना चाहिए ना. और सच पूछा जाए तो अभी इस ऑफिस में और स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि यह फैसला गीता दीदी ने बगैर सोचे समझे किया होगा? अगर गीता ने पहले से सोचा होता तो हमसे इस बारे में कोई बात तो की होती ना. एग्जैक्टली. सुधांशु जी बिल्कुल ठीक बोलते जी. ये लड़की इधर आके गीता जी को बोला कि शक्तिमान ने उसको इस ऑफिस में नौकरी के लिए भेजा, तो उसका बात मान के गीता जी ने उसको इधर नौकरी पर रख लिया जी. लेकिन बाबा, अगर कल को सारा शहर उठ के आ जाएगा और कहेगा कि शक्तिमान ने भेजा हमको नौकरी के वास्ते, तो क्या हम सारा शहर को काम पे रख लेगा इधर? देखिए, क्या करेंगे और क्या नहीं ये गीता दीदी का लुकआउट है. इस बारे में हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं. हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए और कुछ नहीं, समझे? नहीं हेमल, ऐसा नहीं कहते. तुमने सुना नहीं अभी अभी लीला ने क्या कहा? हम सब इस ऑफिस में एक परिवार की तरह काम करते हैं, और जैसे एक परिवार में उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचने का अधिकार उसके हर एक सदस्य को होता है, वैसे ही इस ऑफिस के अच्छे बुरे के बारे में सोचने का अधिकार यहाँ के हर एक मेंबर को है. ये सब इस ऑफिस को अपना समझते हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं हेमल. और आप सब लोग, जैसे आपको इस ऑफिस की चिंता है, मुझे भी ऑफिस की उतनी ही चिंता है. मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे इस ऑफिस को नुकसान पहुंचे. मैंने रीता को बहुत सोच समझ के रखा है. लेकिन रीता काम क्या करेगी गीता? जब तक हम रीता के लिए कोई नया काम नहीं सोच लेते, वो घोष बाबू को उनके प्रूफ रीडिंग में असिस्ट करेंगी. हमको असिस्टेंट करेगी? बहुत अच्छा गीता, वैसे भी हमारे माथा पे बहुत काम का टेंशन है. वैसे एक असिस्टेंट की जरूरत हमको थी ही पहले से. होश बाबू, आपको असिस्टेंट की कितनी जरूरत है ये हम बाद में इवैल्यूएट करेंगे. फिलहाल रीता आपके साथ हमेशा के लिए काम नहीं करेगी. तो? अरे सुना नहीं तुमने? जब तक उसके लिए कोई अलग काम की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक ही वो तुम्हारे साथ काम करेगी, समझे? हेलो, क्या आग लग गई? लेकिन ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड, सब कुछ जल गया, लेकिन कैसे? हेलो हेलो हेलो, लीला आग कहाँ लगी? मिसेस शर्मा की पब्लिशिंग कंपनी, ऑफिस और प्रेस में. What?
लेकिन लीला ये बात तुमको किसने बताया जी? फोन किसने किया? मिसेस शर्मा के भाई हरीश ने। उन्होंने बताया कि मिसेस शर्मा का ऑफिस, प्रेस और गोदाम सब कुछ जलकर राख हो गया। माय गॉड, लेकिन ये आग लगी कैसे? शक्तिमान।